अपोस्टल, इस भाई का नाम जय किशन है, ये फतेहाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। सितंबर 2022 में अचानक इनके राइट पैर के अंगूठे के ऊपर एक पहले जख्म बना था और धीरे धीरे वो जख्म बढ़ता गया, तो दो दिन के अंदर ही इनका जो पैर था वो गलना शुरू हो चुका था। इनके पैर का अंगूठा ऐसे था जैसे लकड़ी को स्योंक लग जाती है, अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका था वो पैर का अंगूठा जो था, और हड्डी जो थी वो बाहर को नजर आती थी और वहां से गंदगी बाहर निकलती थी जैसे कोई फल सड़ जाता है, ऐसे उस पैर की इनकी हालत हो गई। और अपोस्टल जी, जब ये रोग बढ़ने लगा तो ये डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में जब इनको ले जाया गया, डॉक्टर ने पहले तो एक हॉस्पिटल में जवाब ही दे दिया, फिर इनको दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए इनके अंगूठे का। वहां पे डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो अंगूठा आगे से उसको काटना पड़ा और हॉस्पिटल में इनको एडमिट रहना पड़ा। इनका पैर जो था, जो अंगूठा, वो पूरी तरह से गल चुका था, हड्डी नजर आती थी। ओके, आपके अंगूठे को काटना पड़ा, डॉक्टर ने क्यों काटा उसे? अगर वो ना काटते तो क्या होता? इस पे डॉक्टर साहब इन्फेक्शन ज्यादा हो गया था, तो वो कहते कि काटना पड़ेगा, इसे काटने से भी ये हल होगा। और काट दिया और तभी भी आपका हीलिंग नहीं हुआ और वो जख्म बढ़ता गया। हाँ जी, हड्डियां नजर आने लगी। हाँ जी, एक डॉक्टर ध्यान से समझना, जब हीलिंग नहीं कर पाता, कहता है भाई साहब इसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, पीजीआई ले जाओ। पर एक पास्टर अगर अपनी चर्च में केस हील नहीं कर पाता, कभी नहीं कहता बड़ी चर्च में चले जाओ। यूहन्ना 1:35-42। दूसरे दिन यूहन्ना और उसके चेलों में से दो जन खड़े हुए। कौन? यूहन्ना, जिसने जीसस को क्या दिया था? बपतिस्मा दिया था। यूहन्ना 1:35 में लिखा, यूहन्ना उसके चेले में दो जन खड़े हुए। यीशु जो जा रहा था, यूहन्ना ने दृष्टि करके कहा, देखो वो जगत का, परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनके पीछे आते देखा और कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहां रहता है? यीशु ने उनसे कहा, चलो तो दो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर यीशु मसीह के रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शिमोन पतरस का भाई आंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीही मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया और यीशु ने दृष्टि करके उससे कहा, तो यूहन्ना का पुत्र शमोन है, तो कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। 41 आयत को फिर से पढ़ेंगे। बाइबल कहती, यूहन्ना जा रहा था, यूहन्ना के चेले उसके कुछ चेलों में से दो चेले यूहन्ना के पीछे आ रहे थे। यूहन्ना ने जीसस क्राइस्ट को देखा। यूहन्ना ने कहा, वो परमेश्वर का मेमना है। और बाइबल कहती है, उसके जो चेले थे उसे छोड़कर वो जीसस के पीछे हो लिए। शुक्र है यूहन्ना आज का पास्टर नहीं था। कहता, ओ कोई नहीं, मेनू भी हैगा, मेरे को भी मसा हैगा, चिंता ना करो, अब मन नहीं जावांगे यीशु नू, फॉलो करी जाओ उन्हू ऑनलाइन, पर मेरे पीछे चलो। इसलिए मैंने कहा, हम क्रिश्चियन लोग अन्य जातियों से भी बुरे बन चुके हैं, क्योंकि अन्य जातियां एक डॉक्टर जब केस हल नहीं कर पाता, बोलता है बड़े हॉस्पिटल में चले जा, पर एक पास्टर कभी नहीं कहता कि मेरे वसों बाहर है, मेरी अनॉइंटिंग से बाहर है। अगर आप समझते सब पास्टर्स की अनॉइंटिंग एक जैसी है, तो मैं आपको बाइबल से आज प्रूफ करूंगा ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। मैं अपनी बढ़ाई या किसी की बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, किसी को डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कभी भी डिलीवर नहीं होंगे। हर बंदा लोगों से सच्ची बात नहीं कर सकता, हर बंदा लोगों को नाराज नहीं कर सकता, किसी किसी में ये ताकत है करने की, क्योंकि सच्ची बात बोलने पर आपका विरोध होता है, लोग गुस्सा भी करते हैं। लिखा, वो यूहन्ना की बात सुन के जीसस के पीछे हो लिए और देखो क्या हुआ। उनमें से एक चेला पतरस का भाई था, उसने पतरस को जाके बोला, हमको मसीह मिल गया। कहता, अच्छा चल मुझे साथ लेके जा। जैसे ही पतरस परमेश्वर के सामने आया, परमेश्वर ने कहा, तू कैफा कहलाएगा। देखो क्या हुआ,
उसने कहा तू शिमोन का पुत्र, तू यहूना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पत्रस कहलाएगा। पत्रस की ब्लेसिंग उसके जीवन में कभी नहीं आती अगर उसका भाई यहूना को छोड़कर जीसस को फॉलो नहीं करता। देखो कैसे लिंक बने हुए। आज बहुत से लोग डिलीवर नहीं है, मालूम उनकी फैमिली डिलीवर नहीं, पता है क्यों? क्योंकि फंसे हुए हैं, कोई ओहदा मिला हुआ चर्च में, उस ओहदे में फंसा के रखा हुआ है ताकि वो अच्छी चर्च ना चले जाएं और डिलीवर ना हो जाए, ताकि परमेश्वर की कॉलिंग को पकड़ ना ले, ताकि वचन कहीं समझ ना ले, ताकि कहीं ऐसी जगह ना चले जाएं जहां वो डिलीवर हो सके। अच्छा ये अच्छा है, सेक्रेटरी बना दो, अच्छा इसे हेड बना दो, एल्डर बना दो, असिस्टेंट पास्टर, जाना नहीं चाहिए यहां से। हाँ यहां बंधन में रहे अच्छी बात है, लेकिन दूसरी जगह जाके डिलीवर ना हो जाए, इसलिए पकड़ के रखो इसको। और जीसस ने कहा तुम्हारा उजाला चमकना चाहिए, तो उजाला कैसे चमकेगा अगर हम भी अन्य जातियों की तरह चर्च में भी गेम्स खेल रहे हैं और लोगों को बांध के रखा हुआ है और उनको डिलीवर नहीं होने देना चाहते, उनको हम रीति रिवाजों में बांध के रखना चाहते हैं, जिन्हें लगता है सब सेवक एक जैसे हैं। तो सुनो, ओके, इनकी टेस्टिमनी को साथ साथ सुनेंगे। ओके, जब इनका अंगूठा कट गया, अंगूठा गलना शुरू हो गया, ज्यादा गल गया, वो फोटो हमारी स्क्रीन के सामने है जब अंगूठा कटने के बाद और गल गया, दूसरी फोटो भी। ओके, उसके बाद बताइए क्या हुआ। अपोस्टल जी, इन्हें सबसे बड़ा डर ये था क्योंकि इनके बड़े भाई और इनकी बड़ी सिस्टर को भी सेम रोग हुआ था और इनके बड़े भाई की जो टांग थी वो काटनी पड़ गई थी, और इस भाई को भी यही डर खा रहा था कि कहीं मेरी भी टांग काटनी ना पड़ जाए। और ये बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, बेड के ऊपर चले गए थे, जॉब छूट गई, सब कुछ खत्म हो चुका था। इनकी बेटी अपोस्टल जी साथ में खड़े, उन्होंने इनको A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में बताया, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा, और 22 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग के दौरान आप जिन्हें जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी, उसके बाद इनकी हीलिंग होनी शुरू हुई थी, उस ले हैंड प्रेयर को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह दे खून से लुक जा। जय किशन, ये देखो इसकी टांग दिखाओ। जय किशन, अपनी शक्ल दिखाओ एक बार, अब टांग पे करो, टांग पे करो। जय किशन, आज मैं प्रेयर कर रहा हूं खामरा चर्च में, कल आकर रिसेप्शन से अपना फ्री ऑयल रिसीव कर लेना और उस ऑयल को लगातार लगाना। जय किशन, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई स्पीक। पैर करो अपना, पैर करो। पावर ऑफ रिजरेक्शन कम अपॉन योर लेग, योर फुट, योर टो, इन जीसस नेम बी हील्ड। डेवल आउट, बी हील्ड जय किशन, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड। थैंक यू लॉर्ड। और अपोस्टल जी, जैसे ले हैंड प्रेयर हुई, इनकी पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ा और 3 दिन के अंदर इनका पैर जो था वो पूरी तरह से रिकवर हो गया, और पैर, इनका अंगूठा जो है वो पूरी तरह से हील है, वो कंप्लीट हो चुका है, और कोई गलने का 1% भी इनके बॉडी में नहीं है। करो अंगूठे को टैप करो, हाँ हाँ मारो ऐसे पूरा, हाँ हाँ। देखा, तुम कभी विश्वास नहीं करते अगर मैंने कैमरा वर्क ना किया होता, अगर मैं ऐसे दिखाता ना ये ऐसा था और ऐसा हो गया, तो बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, बहन भाई सबकी टांग काटनी पड़ी। अब सेम चीज वही शुरू हो गई थी, पहले अंगूठा कटा, अभी और कटेगा, और कटेगा, आगे बढ़ रहे, हड्डियां दिख रही। पुरानी फोटो दिखा, उससे इससे भी पुरानी दिखाओ, दोनों फोटोज दिखाओ जहां हड्डी भी वो देखो, हड्डी नजर आ रही, वो देखो। अगर ऐसी हीलिंग हो सकती है, इमेजिन करो, वो अंगूठा देखो और अब का दिखाओ लाइव, दबाओ इसे, जोर से टैप करो, जोर से जमीन पे मारो पैर, हे
हालेलुया, हालेलुया। आप क्या कहना चाहते हो लोगों से कि आप लोगों को परमेश्वर ने डिलीवर किया, आजाद किया, क्या सलाह देना चाहते हो लोगों को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी परमेश्वर में है और वो हॉस्पिटल में दुखी हैं तो परमेश्वर के भवन में आए और प्रभु के दास से प्रार्थना कराए और प्रभु उसको हील करेगा। तारीफ करो जोर से। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।